दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर प्राणी विज्ञान विभाग की MSc चतुर्थ सेमेस्टर फिशरी बायोलॉजी इटोमोलॉजी और सेल बायोलॉजी की प्रायोगिक परीक्षाएं 7 नवंबर को प्रस्तावित हुई हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अजय सिंह ने बताया कि समस्त छात्र छात्राएं COVID-19 के निर्देश का पालन करते हुए अपना प्रोजेक्ट वर्क और कलेक्शन संबंधित कार्य 2 नवंबर से संबंधित प्रयोगशाला में आकर पूर्ण कर लें। साथ ही सभी छात्र छात्राएं मास्क एवं सैनिटाइजर के साथ लेकर आएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अजय सिंह ने कहा। प्रोफेसर अजय सिंह, हेड जूलॉजी डिपार्टमेंट। देखिए, इन 7 नवंबर को जो प्रयोगात्मक परीक्षा आयोजित की जा रही है, अभी एक टेंटेटिव डेट इसके लिए दी गई है बच्चों को, क्योंकि COVID-19 में बच्चों के प्रैक्टिकल कुछ कार्य जो है वो शेष रह गए थे। अब इनकी थियोरी की परीक्षा समाप्त हो गई है। थियोरी की परीक्षा समाप्त होने के बाद प्रैक्टिकल की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। इसके लिए बच्चों को एक समय दिया गया है कि 2 नवंबर से और 7 नवंबर के बीच में आकर के अपना पूरा जो भी काम उनका शेष है, प्रोजेक्ट का वर्क है, कलेक्शन का वर्क है, क्योंकि ये फाइनल ईयर की परीक्षा है, इसमें बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क करना पड़ता है और कलेक्शन का काम करना पड़ता है जूलॉजी में विशेष करके। तो ऐसे बच्चों को इस काम के लिए उनको लेबोरेटरी में व्यवस्था की गई है, लेबोरेटरी सैनिटाइज है, लेकिन चूँकि बच्चों की संख्या ज़्यादा है इसलिए हम लोगों ने उसको 3 लेबोरेटरी में अलग अलग बाँटा है। तो एक लेबोरेटरी में ज़्यादा से ज़्यादा 15 बच्चे या 16 बच्चे आ सकते हैं और वो आएंगे बारी बारी से और अपना काम पूरा करेंगे। उसके बाद हम लोग फर्स्ट वीक के 7 नवंबर अभी डेट हमने प्रपोज किया है एग्जामिनर को, डेट कंफर्म हो जाएगी, उनकी परीक्षा संपन्न करा दी जाएगी। चूंकि उनका रिजल्ट जल्दी निकलना है इसलिए परीक्षा 7 नवंबर तक हम लोग हर हाल में कराने की कोशिश कर रहे हैं। सर, परीक्षार्थियों को आने के दौरान से मास्क और सैनिटाइजर? जी हाँ, ये बहुत ही आवश्यक है COVID-19 में कि हर बच्चा अपने लिए मास्क और सैनिटाइजर अपना पर्सनल भी ले आएगा और विभाग के लेवल पर भी हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी है सैनिटाइजर और मास्क की।